हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फ्रैगमेंट्स के पहले वीडियो ट्यूटोरियल में। इसके पहले कि मैं आपको फ्रैगमेंट्स के बारे में कुछ जानकारियां दूं, आप फिलहाल जो सामने आपको ये एग्जांपल दिख रहा है वो देखिए। इसमें एक सिंपल सा न्यूज़ एप्लीकेशन है जिसमें एक यहाँ पे आपका इमेज दिख रहा है ये, और फिर यहाँ पे न्यूज़ का हेडलाइन है, और इसके बाद यहाँ पे न्यूज़ की जानकारी। तो आप बेसिकली अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पे एक एक्टिविटी ले रहे होंगे। ये हमारी एक्टिविटी नंबर 1 हो गई, ये वाला, और ये वाला एक्टिविटी नंबर 2 हो गई। और हम यहाँ पे एक लिस्ट व्यू लेंगे जिसमें सभी ये डाटा शो कर देंगे, और फिर इसी लिस्ट व्यू के किसी भी आइटम में हम क्लिक करेंगे तो हमें वो सेकंड एक्टिविटी में ले जाएगा। तो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी जाने में जो एक्टिविटी है वो कई सारे लाइफ साइकिल मेथड्स के थ्रू जाती है, जैसे ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, फिर इसके बाद आपका लास्ट में ऑन डिस्ट्रॉय। तो ये कई सारे लाइफ साइकिल मेथड्स के थ्रू जाती है। तो सेम जो एप्लीकेशन है इसी को आप फ्रैगमेंट्स के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए आपका ये जो है, और यहाँ से ये एक ही कंटेनर है, और ये कंटेनर ये दोनों एक्टिविटी को लेके रखा है। तो सबसे पहले जब यूज़र लॉगिन करेगा, मीन्स हमारे एप्लीकेशन में जब भी ऑन करेगा, तो हम उसको ये वाला एक्टिविटी फर्स्ट वाला पेज दिखाएंगे, और जब वो किसी एलिमेंट या फिर किसी रो में क्लिक करेगा तो हम उसको सेकंड पेज दिखाएंगे। अब इसी चीज़ को करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्रैगमेंट्स। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हम एक्टिविटी को कम यूज़ कर रहे हैं, एक ही एक्टिविटी में हम अपना पूरा काम चला रहे हैं। सेकंड चीज़, फ्रैगमेंट को यूज़ करके आप मल्टीपल डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे मोबाइल के लिए बनाया है। सेम अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो ये है टैबलेट का। तो जैसे यहाँ पे मैं, मेरी एक बेस एक्टिविटी है, और उस बेस एक्टिविटी में मैं 2 पेज शो कर रहा हूँ। तो समझ लीजिए ये फ्रैगमेंट 1 हो गया और ये फ्रैगमेंट 2 हो गया। सेम यहाँ पे मेरा एक ही एक्टिविटी है ये वाली, तो ये हमारी एक एक्टिविटी हो गई, और इसी एक्टिविटी के अंदर हम 2 पेज दिखा रहे हैं। पहला पेज यहाँ पे है, ये हमारा पहला पेज हो गया, और ये हमारा सेकंड पेज हो गया। तो जब भी हम यहाँ पे किसी भी लिस्ट आइटम में ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो ऐसा अगर देखा जाए तो हम सिर्फ एक ही पेज देख रहे हैं, ये पूरा एक ही पेज है। उसी पेज को मैंने डिवाइड किया है यहाँ पे, और एक में मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ और दूसरे पेज में मैं उसका इंफॉर्मेशन। तो ये चीज़ जो है हम अचीव कर पाएंगे फ्रैगमेंट यूज़ करके। तो अब मैं आपको फ्रैगमेंट के बारे में कुछ जानकारियाँ बताता हूँ। जैसे हम एट ए टाइम एक ही एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको, आपके मन में यहाँ सवाल आएगा कि हम यहाँ पे 2 एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं, नो, ये पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे एट ए टाइम सिर्फ एक ही एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल फ्रैगमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 फ्रैगमेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ सिर्फ फ्रैगमेंट से हम अचीव कर पाते हैं। तो जब आप मोबाइल में देखेंगे तो आपका लेआउट कुछ ऐसा दिखेगा, बट यहाँ भी हम 2 फ्रैगमेंट यूज़ कर रहे हैं, और जब हम टैबलेट में देखेंगे तो हमारा लेआउट कुछ ऐसा दिखेगा। अब सपोज़ करिए, आप इमेजिन करिए, अगर सेम लेआउट यही वाला मैं टैबलेट में दिखाऊं, तो टैबलेट की स्क्रीन तो बहुत बड़ी सी होती है, तो ये आपके लिस्ट यहाँ पूरे बड़े बड़े से लिस्ट होंगे, और फिर आप क्लिक करेंगे तो ये पेज डिफरेंट खुलेगा, जो कि प्रॉपर स्पेसिंग का भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, और हमारा एप्लीकेशन बहुत ही अजीब सा दिखेगा। तो फ्रैगमेंट यूज़ करके हम उसको बहुत ही बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फ्रैगमेंट होता है
वो कभी भी एक्टिविटी को होस्ट नहीं कर सकता। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, एक एक्टिविटी आपकी कई सारी फ्रैगमेंट्स को होस्ट कर सकती है। सेकेंड चीज़, जो आपकी एक्टिविटी होती है वो एक्शंस डिफाइन करती है। मीन्स एक एक्टिविटी से आपको दूसरे एक्टिविटी जाना है तो इसके एक्शंस आप एक्टिविटी में लिख सकते हैं। फ्रैगमेंट में हम मल्टीपल फ्रैगमेंट पे जा सकते हैं इधर से उधर, बट फ्रैगमेंट एक्शन डिफाइन नहीं करता है। जो एक्शन होगा वो एक्चुअली एक्टिविटी के थ्रू ही होगा। फ्रैगमेंट जस्ट आप समझ सकते हैं कि व्यूज़ होता है, इसमें कई सारे व्यूज से मिला होता है। तो एक ये हमारा व्यू हो गया, ये दूसरा व्यू हो गया। सेम एक अगर हम और एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, तो मैं एक लेआउट बना रहा हूँ, इस लेआउट में मैं कुछ यहाँ पे एक ग्राफ शो कर रहा हूँ। तो आपका ये ग्राफ हो गया और यहाँ पे मैं कुछ डेटा शो कर रहा हूँ। डेटा जैसे आज यूएसडी का रेट अप जा रहा है, आईएनआर का रेट डाउन जा रहा है। तो कुछ हम शेयर मार्केटिंग वाला और या फिर ऐसे कुछ करके ऐप अगर बनाना है, तो उस काइंड ऑफ ऐप अगर हम बना रहे हैं, तो जिसमें ये डाटा जो ऊपर वाला ग्राफ है ये भी अपडेट हो रहा है, प्लस नीचे वाला भी अपडेट हो रहा है। तो हम अपने एक्टिविटी में अगर सेम कोड को लिखेंगे तो हमें बहुत बड़ा सा कोड एक ही पेज में लिखना पड़ेगा। बट सेम चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फ्रैगमेंट वन में लिख सकते हैं और इसको फ्रैगमेंट टू में लिख देंगे। तो क्या होगा, हमारा एक्टिविटी हाफ हो जाएगी। तो आधा कोड हम फ्रैगमेंट वन में लिख देंगे जो ग्राफ का होगा, और आधा कोड जो इसका होगा यूएसडी और आईएनआर के प्राइजेस जो चेंज हो रहे हैं उनके बारे में हम फ्रैगमेंट टू में लिख देंगे। तो इससे कोड हमारा इजीली रीडेबल रहेगा और हम बाद में अगर खुद का कोड पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। और सेम हम ये हमारा जो मेन एक्टिविटी है वो एज ए कंटेनर एक्ट करेगा और उसी में हम दोनों फ्रैगमेंट को होस्ट कर देंगे। सबसे बड़ी बात फ्रैगमेंट में क्या है कि आपका जो फ्रैगमेंट का कोड है वो रीयूजबल होता है। तो आपको अगर कहीं किसी अदर एक्टिविटीज़ में वैसे ही फ्रैगमेंट का कोई उपयोग पड़ा तो आप सेम कोड उठा के वहाँ पे, मतलब सेम फ्रैगमेंट आप उठा के वहाँ पटक सकते हैं और आपका फ्रैगमेंट अच्छे से काम करेगा। और सबसे लास्ट चीज़ मैं जो बताना चाहता हूँ आपको फ्रैगमेंट के बारे में, वो है कि फ्रैगमेंट जो होता है वो अपना खुद का लाइफ साइकिल, उसकी खुद की लाइफ साइकिल होते हैं। जैसे हम हमारे एक्टिविटी की लाइफ साइकिल होते हैं, वैसे ही फ्रैगमेंट की अपनी ओन लाइफ साइकिल होती है जो एक्टिविटी के लाइफ साइकिल पे डिपेंडेंट रहती है। तो अगर आपका एक्टिविटी ख़त्म हो गया है तो आपका फ्रैगमेंट भी ख़त्म हो जाएगा, और आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होती है फिर उसके बाद आपका वो फ्रैगमेंट इन्फ्लेट करता है। तो ये सब एक्टिविटी के लाइफ साइकिल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्रैगमेंट के जो लाइफ साइकिल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि फ्रैगमेंट कैसे बनाते हैं, और जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था न्यूज़ एप्लीकेशन वाला, वैसा हम एग्जांपल शुरू करेंगे। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कई अदर चीज़ें भी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम ओके HTTP लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। लास्ट बहुत पुराने जो मैंने वीडियो ट्यूटोरियल बनाए थे उसमें हम JSON पार्सिंग किए थे, और JSON पार्सिंग हम डायरेक्टली कोड लिख के किए थे। इस बार हम JSON लाइब्रेरी जो होती है गूगल की उसको यूज़ करके करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको रेट्रोफिट के भी एग्जांपल्स इसी में दिखा सकूँ। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कई नई चीज़ें सीखने वाले हैं, और प्लस जो लिस्ट व्यू है उसका भी हम चेंज करके रिसाइक्लर व्यू यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आप अपने UI को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, आप अपने UI को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे ट्यून्ड।